बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेंसिटी को। डेंसिटी एक बहुत ही सिंपल और छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बच्चों इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक बेसिक कंसेप्ट में से एक है। तो इसकी बेस पे बहुत से कंसेप्ट आप नेक्स्ट लेवल पे सीखेंगे, बल्कि इसी चैप्टर के अंदर सीखेंगे। इसलिए आपको सही से इसका कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर फील आनी चाहिए इस टॉपिक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे और फिर बताएंगे डेंसिटी एक्चुअली होती क्या है, फिर डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे, फार्मूला, और एंड पे वाटर की डेंसिटी कैलकुलेट करके बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। दो ऑब्जेक्ट आपके सामने दिखाए जाते हैं, ये वुड है और ये आयरन, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा हैवी है, तो आप डेफिनेटली बोलेंगे वुड हैवी है इसमें। क्यों? इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। अच्छा, अगर क्वांटिटी चेंज कर दीजिए, वुड का साइज स्मॉल कर दिया, इस आयरन का साइज ग्रेटर कर दिया, आप पूछा जाए कौन सी ग्रेटर है, कौन सी हैवी है, तो बोलेंगे आयरन हैवी है। तो कभी हम आयरन को हैवी कह रहे हैं, कभी हम वुड को हैवी कह रहे हैं, तो हम क्लियर नहीं है इसके बारे में। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी चेंज हो रही है, ठीक है। कौन सी ऑब्जेक्ट हैवी होता है, कौन सा लाइटर होता है, सबसे मेन चीज तो वो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। आयरन की यहां पर क्वांटिटी ज्यादा थी इसलिए यहां पर हैवी है, वुड की यहां पर क्वांटिटी ज्यादा थी तो यहां पर वो हैवी है। तो एक्चुअली इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी होता है, कौन सा लाइट होता है, हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे। क्यों? हमारे पास क्वांटिटीज डिफरेंट है, इसकी ज्यादा क्वांटिटी है, इसकी कम क्वांटिटी है, ठीक है। तो दो चीजों को रिलेट तब किया जा सकता है जब उनको सेम लेवल पे लाया जाए। हमेशा कंपटीशन सेम लेवल का होता है, कंपैरिजन सेम लेवल्स का होता है, ठीक है। आपका कंपटीशन आपके क्लास फेलो से होगा, आपका कंपटीशन 5 क्लास या 6 क्लास के स्टूडेंट से नहीं होगा क्योंकि वो आपसे छोटा है। आपका कंपटीशन होता है आपके लेवल के साथ, ठीक है बच्चों। तो कंपैरिजन हमेशा लेवल की चीजों का करते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, जब हम फिर आयरन और वुड को कंपैरिजन करना चाहते हैं तो फिर हम इनकी डिफरेंट क्वांटिटीज नहीं लेंगे, हम इनके डिफरेंट साइज नहीं लेंगे बच्चों, हम इक्वल साइज ले लेंगे। यानी वॉल्यूम इसका, आयरन का भी उतना ही वॉल्यूम ले लें और वुड का भी उतना ही वॉल्यूम आप ले लें। अब देखें, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, इन दोनों का साइज सेम है। अब इनमें से कौन सा हैवी और कौन सा लाइट है, अब आप क्लियरली बता सकते हैं कि भाई इसमें आयरन हैवी है, वुड जो है वो लाइटर है। क्यों? अब इनको हमने सेम लेवल पे लाया, सेम वॉल्यूम रखा है इनका, तो क्लियर हो गया हमें। अब ऐसा क्यों है, आपने कभी सोचा ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बच्चों कि वॉल्यूम तो दोनों का इक्वल है, मगर इसके इस वॉल्यूम के अंदर बहुत ज्यादा मास कंसंट्रेटेड है, यानी इसके अंदर काफी ज्यादा मास पाया जा रहा है इतने वॉल्यूम के अंदर, लेकिन वुड में बहुत कम मास पाया जा रहा है इसके मुकाबले में, ठीक है। इसलिए वुड क्या है, लाइट है, और ये आयरन क्या है, हैवी है। तो बच्चों ये जो वॉल्यूम टू मास रेशियो है ना, इसी का तो हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। अगर हम दो ऑब्जेक्ट की डेंसिटीज को कंपेयर कर रहे हैं तो हमने क्या किया, दोनों के इक्वल वॉल्यूम ले लिए और देखा किसके वॉल्यूम में ज्यादा मास है। जिसके वॉल्यूम में ज्यादा मास होगा उसकी डेंसिटी हाई होगी, जिसके वॉल्यूम में कम मास होगा उसकी डेंसिटी लो होगी, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हमने इक्वल वॉल्यूम ले लिए, तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये हैवी है, इसका मतलब इसके इतने वॉल्यूम में ज्यादा मास पाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसकी डेंसिटी हाई है और इसकी डेंसिटी लो है। तो डेंसिटी क्या है बच्चों? मास टू वॉल्यूम रेशियो। एक आप डिसाइड कर ले यूनिट वॉल्यूम, लेट सपोज मैं आपको बताता हूं हाई डेंसिटी लो डेंसिटी क्या होती है। हमने इक्वल जो है वॉल्यूम 3 ले लिए, ठीक है, और ये जो है हमारे पास इसका वॉल्यूम, हम लेट सपोज 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब। अब इसके 1 मीटर क्यूब में ये देखिए इतने ज्यादा पार्टिकल हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम तो सबका 1 मीटर क्यूब है, इसके 1 मीटर क्यूब में ज्यादा मास पाया जा रहा है। ये देखिए काउंट करें इसको, ठीक है, ज्यादा मास पाया जा रहा है, इसकी डेंसिटी हाई होगी। ये जो दूसरा है ऑब्जेक्ट, इसके 1 मीटर क्यूब यानी सेम वॉल्यूम के अंदर देखिए मास इसके मुकाबले में थोड़ा कम है, इसीलिए ये इससे थोड़ा हल्का होगा, थोड़ा लाइट होगा, इसकी डेंसिटी लो होगी। उतना ही वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट को भी लिया, इसके अंदर जो पार्टिकल है काफी दूर दूर है, ठीक है, ये देखिए काफी ज्यादा स्पेसिस है, वॉल्यूम उतना ही कवर किया हुआ है लेकिन मास इसके अंदर बहुत कम है। तो बच्चों ये जो वॉल्यूम टू मास रेशियो है, इसी को हम डेंसिटी कहते हैं,
यूनिट वॉल्यूम में अगर ज्यादा मास पाया जाएगा हाई डेंसिटी, यूनिट मास में अगर कम मास पाया जाएगा लो डेंसिटी, यूनिट मास में और कम मास पाया जाएगा तो और लो हो जाएगी डेंसिटी। इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक क्यूब है ये सॉलिड का बना हुआ जिसमें एटम्स बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं। अब लिक्विड के मुकाबले में जो है ना सॉलिड अगर कंपैरिजन किया जाए तो लिक्विड में कुछ ना कुछ स्पेसिस होती हैं, इसकी डेंसिटी इतनी हाई नहीं है, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास गैस आ जाती है। अब गैस जो है उसके एटम्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज्यादा स्पेसिस होती है, इसलिए उसकी डेंसिटी बहुत लो होती है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने सीख लिया कि हाई और लो डेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो डेंसिटी के मीनिंग आपने क्या लेना है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास पाया जा रहा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल। ओके बच्चों, अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ एन सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास पाया जा रहा है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ऑब्जेक्ट हैवी होगा, उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी, ठीक है बच्चों। ओके, अब इसका जो फार्मूला है इसके यही डेफिनेशन से आप निकाल सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम कर देंगे, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, तो आपके पास आ जाती है डेंसिटी। डेंसिटी को हम रिलेट करते हैं, सॉरी शो करते हैं एक लेटर के साथ जिसे हम कहते हैं रो। अब पी में और रो में क्या डिफरेंस होता है, पी ऐसे होता है ये पी, ठीक है। रो में क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे बेंड कर देंगे, यहां से ऐसे कर देंगे तो ये रो बन जाएगा। ये बेसिकली डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है जिसका फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। अब समटाइम आपको ये बात भूल सकती है तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि आप कैसे इसको याद रखेंगे। बच्चों डी से क्या बनता है, दिल बनता है, ले जिए जी आ गया हमारे पास ये दिल आ गया, ठीक है। दिल में लगा तीर, दिल के हो गए दो टुकड़े, ठीक है, एक ऊपर वाला टुकड़ा एक नीचे वाला टुकड़ा। तो डी क्या होती है, डेंसिटी जिसे रो से शो करते हैं। ऊपर वाला पार्ट किसको शो कर रहा है, एम को शो कर रहा है, नीचे वाला पार्ट किसको शो कर रहा है, वी को शो कर रहा है। तो बच्चों डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास बाय वॉल्यूम। तो आपको जब भी भूले फॉर्मूला तो आप इस तरह से याद रखें, डेंसिटी यानी दिल डी, ठीक है। तो दिल में से तीर गुजारे, ऊपर वाला हिस्सा एम, ये बाय और नीचे वॉल्यूम। तो आप इस तरह से भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं इसकी यूनिट की तरफ। बच्चों यूनिट बहुत आसान है, कैसे निकालते हैं आप यूनिट, इसी के फॉर्मूले से देखिए। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और नीचे है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, ठीक है। तो किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, मीटर क्यूब ऊपर जाके पावर माइनस हो जाती है, आप जानते हैं, इसलिए लिखेंगे किलोग्राम मीटर पावर माइनस थ्री, या पर मीटर क्यूब भी कहते हैं इसको। तो बच्चों किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या है, इसका यूनिट आ गया। ओके, अब हम सीखते हैं कि हम किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 5 लीटर वाटर है, तो 5 लीटर वाटर की हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे कैसे। लेट्स सपोज कि 5 लीटर वाटर जो है वो हमारे पास है, इसका मास कितना होता है, 5 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास तो 5 किलोग्राम है और वॉल्यूम मीटर में होना चाहिए, ये किस में है, लीटर में है। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर होता है 10^-3 मीटर क्यूब के, तो फिर 5 लीटर कितना होगा, उसको 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, 5 लीटर फिर इक्वल होगा 5 × 10^-3 मीटर क्यूब, राइट। ओके, अब ये क्या बनाया हमने बच्चों, वॉल्यूम को जस्ट लीटर से मीटर क्यूब में लाया है, ठीक है, लीटर से हमने उसको जस्ट मीटर क्यूब में लाया। ओके, तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम 5 × 10^-3 मीटर क्यूब, और मास था 5 किलोग्राम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम, मास कितना है 5 किलोग्राम और वॉल्यूम कितना है 5 × 10^-3। ये वाला 5 इस वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचा 10^-3। तो बच्चों इसको डिनोमिनेटर से जब नोमिनेटर में लाएंगे तो पावर माइनस से हो जाएगी प्लस, तो आ जाएगा 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको 1000 भी लिखते हैं, 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।